हाय दोस्तों, मैं सुजाता। दोस्तों, मैं आज आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो योजना आयोग था, योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया है। तो पहले नाम क्या था, योजना आयोग था, उसको फिर बंद किया गया, उसके बाद नीति आयोग को लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में समझते हैं कि योजना आयोग था क्या। तो योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। यह एक क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी, और वो भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुई थी। और इसके दो मुख्य कार्य थे, पहला एक पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा राज्य और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना। इसके दो मुख्य कार्य क्या थे, एक पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा राज्य और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना। उसके बाद देखते हैं, देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली। इस तरह जो है 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से लेकर 17 तक बनाई गई थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो थी उसको बंद कर दिया गया। और इसके बाद हम नीति आयोग को समझते हैं। योजना आयोग तो हम लोग समझ लिए, अब नीति आयोग है क्या। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग जो है नीति और एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और सोच कर सलाह देना नीति आयोग का कार्य होता है। नीति आयोग को सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग क्या है, सलाहकारी निकाय है, और इसका कार्य क्या है, सोच कर सलाह देना। इस आयोग का कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, मतलब ये जो नीति आयोग है उसका कार्य ये है कि सामाजिक मुद्दे या आर्थिक मुद्दे हों तो इस पर विचार वर करके सरकार को सलाह देना है। और इसका नाम है थिंक टैंक के रूप में नाम जाना जाता है। और उसके बाद नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है, आप अक्सर नीति आयोग का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और संगठन देख लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री थे, हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद आ गया, गवर्निंग काउंसिल को तैयार करने में सभी राज्य और मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्रों, उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष, देखिए गवर्निंग काउंसिलिंग को तैयार करने में क्या क्या लगता है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उसके बाद आ गया उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। और प्रथम कौन थे, अरविंद, और CEO है अमिताभ कांत। तो ये चीज़ याद रखिएगा, CEO पूछ लेगा तो अमिताभ कांत थे और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, इसके अलावा पूर्व संगठन में कुछ पूर्वकालिक सदस्य और कुछ आंशिक सदस्य भी होते हैं, इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। तो देखिए हम लोग अंतर समझते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है। तो योजना जो आयोग थे ये रूसी मॉडल पर आधारित था, और नीति आयोग जो है ये भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। और योजना आयोग केंद्रीय भूमिका ज़्यादा होती थी, इसमें सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया है। योजना आयोग अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है, ये योजना अनुमोदन या स्वयं के द्वारा। सरकार की भूमिका निर्भर था, इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका निर्भर होती है। और नीति आयोग के कार्य क्या है ये समझते हैं। तो नीति आयोग के कार्य है राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना,
और दूसरा कार्य है भारत में ग्राम स्तर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। तीसरा है केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या तकनीकी सलाह देना। और चौथा कार्य है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये नीति आयोग के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी नीति आयोग वित्त आयोग दोनों पे पूछे गए प्रश्नोत्तर को डालूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।